हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सएप गाइस, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, डीएम्स आते हैं कि सर हमारे पास कोई भी सैंपल्स नहीं है, कोई केस स्टडीज नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, क्लाइंट्स हमारे पास, कोई भी नया क्लाइंट हमारे ऊपर भरोसा क्यों करेगा, व्हाई विल दे गिव अस वर्क, हम कैसे ट्रस्ट जमाएं, कैसे उन्हें कॉन्फिडेंस मिले। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर आई विल बी टीचिंग यू सम वेरी वेरी स्ट्रांग ग्रोथ हैकिंग टेक्निक्स। ऐसे ग्रोथ हैकिंग टेक्निक्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा जिसको आप यूटिलाइज करके एक अपना हाई पेइंग क्लाइंट विदाउट एनी जीरो एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। सो गाइज, हमेशा याद रखो, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वही राह है दोस्त। तो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, गाइज आपको ये वीडियो देखना है आई बटन के अंदर, जिसपे मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग, फ्रीलांसर और प्रोफेशनल्स हायर करने के लिए डेस्परेट है। मतलब ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिनके लिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट एक लाइफ चेंजिंग, एक लाइफ सेवर स्ट्रैटेजी हो सकता है। आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो गाइज, कम बैक टू दिस वीडियो अगेन, आपको एक चूज करना पड़ेगा नीश, एक नीश, ठीक है, अ नीश दैट बेस्ट फिट्स टू योर इंटरेस्ट, एक ऐसा इंडस्ट्री जो कि आपके इंटरेस्ट के साथ बेस्ट फिट होता हो सकता है कि वो रियल इस्टेट हो सकता है, वो होता है ट्रैवल हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो वेलनेस, हेल्थ, लाइफस्टाइल हो सकता है, होम डेकोर, होम इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट हो सकता है, एपरल, फैशन एपरल हो सकता है, इट कैन बी सम कोचिंग इंस्टीट्यूशन, व्हाटएवर, एक नीश चूज कीजिए। नीश चूज करने के बाद हियर द मैजिक स्टार्ट्स गाइज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइज, लेट मी टेल यू कि इस पर्टिकुलर टेक्निक के अंदर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा, समवेयर अराउंड 400-500 रुपीस। गाइज, ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, ये आपके खुद के ब्रांड बिल्डिंग, ये आपके खुद के बिजनेस के कैंपेन पोर्टफोलियो बिल्डिंग के ऊपर ही होगा। तो आपको क्या करना है गाइज, एक इमेजिनरी कंपनी फ्लोट करें, एक बढ़िया सा एक मस्त एक ब्रांड नेम सोचे, namelix.com, इस तरह से बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाओगे, बहुत अच्छे अच्छे जैजी और ब्रांडेड नेम आपको मिल जाएंगे। उस नीश के अराउंड एक इमेजिनरी कंपनी फ्लोट कीजिए, एक अच्छा सा ब्यूटीफुल लोगो डिज़ाइन कीजिए, ठीक है, लोगो कैनवा में बन जाएगा। नाउ द एट द एंड, यू जस्ट वॉन्ट टू गिव योर इमेजिनरी कंपनी अ ब्रांडेड लुक, अपने इमेजिनरी कंपनी को एक ब्रांडेड लुक देना है। एक ब्यूटीफुल वन पेजर लैंडिंग पेज बनाए, ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगा डोमेन नेम, ठीक है, .com लेने की कोई जरूरत नहीं, .club, .desi, .xyz, whatever you can take, ठीक है, एक ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज बनाओ दोस्त, एक ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज बनाओ, कॉल टू एक्शन, ऑफर रेलेवेंट टू दैट नीश, फॉर्म बनाओ। इमेजिन करो कि गाइज ऑलरेडी वो कंपनी आपका क्लाइंट बन चुका है, तो आप उनके लिए क्या क्या करोगे, राइट, एक ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज, कन्वर्टिंग सीड्यूसिंग लैंडिंग पेज बनाओ, ठीक है, वन पेजर लैंडिंग पेज, ठीक है, एक लोगो, एक इमेजिनरी ब्रांडेड नेम, प्लस एक ब्यूटीफुल फेसबुक पेज बनाओ और 6-7 पोस्ट करो उस पर, ताकि लगे कि पेज पे कुछ एक्शंस हो रहे, ठीक है, क्लियर। राइट नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, उस नीश के अराउंड टॉप कंपनीज जो है उनको जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है, गूगल पे सर्च कीजिए, तो आपको कुछ टॉप कंपनीज मिल जाएंगे, कंपनीज के प्रोफाइल्स विजिट कीजिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि ये सारे कंपनीज अच्छे कंपनीज हैं। Then search that company on social media, उनके पेज को विजिट कीजिए और उनके ad library को विजिट कीजिए and see कि वो currently क्या ad चला रहे हैं, right? तो अभी real company को विजिट कीजिए। What you need to do guys is, उनके सबसे ज़्यादा जो ऐसे कुछ ads होंगे जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, जो कि primarily lead generation के around है, right? उन ad का आप completely एक replica वर्जन बनाओ, उसे रेप्लीकेट करो, एड क्रिएटिव कॉपी कर लो, रेप्लिका बनाओ, उनका जो ऊपर जो स्निपेट या तो टैगलाइन या तो जो कॉपी होगा, टेक्स्ट कॉपी, उसको क्यूरेट करो, डोंट कॉपी, क्यूरेट, आई नेवर से दैट यू शुड कॉपी, उसको अपने थोड़े दिमाग में लगा के उसको क्यूरेट करो, रीवर्ड करो, ठीक है, एंड एटलीस्ट मेक 3-4 वर्जन ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर योर इमेजिनरी कंपनीज, ठीक है। लेकिन गाइज, किसी भी इमेजिनरी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, कि उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। आफ्टर क्रिएटिंग द एड कॉपी, इट्स टाइम टू रन द एड। तो गाइज, एक लीड जनरेशन का एड चला सकते हो या तो एक वेबसाइट विजिट ऑब्जेक्टिव का एक एड रन कर सकते हो। अगर वेबसाइट विजिट का ऑब्जेक्टिव से अगर आप एड रन कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि कस्टम कन्वर्जन ऑन हो, ताकि बाद में आपके पास अच्छा खासा डाटा रहे प्रेजेंट करने के लिए। तो गाइज, आपको लीड जनरेशन या तो कस्टम कन्वर्जन वाला वेबसाइट ट्रैफिक वाला आपको एड चलाना है, राइट,
एंड बूम गाइस, ज्यादा से ज्यादा गाइस 400 टू 500 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको अपना और पोर्टफोलियो कैंपेन का पोर्टफोलियो अगर बड़ा करना है तो आप 3-4 इंडस्ट्री चला सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल एक हेल्थ का चलाओ, किसी लोकल क्लिनिक का, किसी लोकल यू नो कोई ब्यूटी क्लिनिक का, एक इमेजिनरी ब्यूटी क्लिनिक का ऐड चला दो, ठीक है, कोई इमेजिनरी रियल इस्टेट कंपनी फ्लोट करके उसका ऐड चलाओ, ठीक है, फॉर ए स्पेसिफिक ज्योग्राफी। तो गाइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये तक ही खर्च करना है इस पर, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 400-500 रुपये में गाइज एटलीस्ट आई बिलीव कि आपके पास एक हैंडफुल इंक्वायरीज और लीड्स आपके पास आ जाएंगे। एंड गाइज दिस इज गोइंग टू बी योर पोर्टफोलियो। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एक्चुअली में जो ह्यूमन रियल कस्टमर जो इंक्वायर करेंगे दे विल कॉल अस। गाइज नोबडी बॉदर्स। रैंडमली आपका एड फेसबुक के ऊपर आएगा, कोई बंदा घूम रहा है फेसबुक के ऊपर, वो आपके क्लिक करेगा, फॉर्म फिलअप करेगा एंड इट्स गॉन, नोबडी केयर्स। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये एक महीने के अंदर जितने जगह पे फॉर्म फिल किए हो, एज इंक्वायरी रेज किए हो, क्या आप हैव यू एवर बॉदर टू गो बैक टू दैट कंपनी एंड इंक्वायर? इट्स इमेजिनरी कंपनी एंड यू नीड नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस ऑल्सो। इसके बारे में वरी करने की भी जरूरत नहीं। ऑल दैट यू नीड टू डू इज टू हैव सम डेटा, हैव सम रिपोर्ट्स, जिसको आप एक्चुअल एक रियल कंपनी को दिखा सकते हो। गाइज ट्रस्ट मी इट वर्क्स, गाइज जब आप कोई नई कंपनी को दिखाओगे, गाइज शो देम द रिजल्ट्स, कंपनी विल से कि ये कंपनी कहाँ पे है, क्या है, यू कैन ऑलवेज से कंपनी ने रीब्रांड कर दिया, अपना नाम चेंज कर दिया, कंपनी एक्वायर हो गया, अभी करंटली उसके पेरेंट कंपनी से एक्वायर कर लिया, कंपनी का नाम चेंज हो गया, यू कैन टेल एनी फ्रीकिंग स्टोरी गाइज एंड गिव देम ए 14 डेज फ्री ट्रायल। तो गाइज कॉन्फिडेंस जमाने के लिए आपके पास डेटा है। आपको क्या डेटा चाहिए? यू नीड टू मेक ए रिपोर्ट, द नंबर ऑफ इंप्रेशन यू गॉट, हाउ मच हैव यू स्पेंट, कितना इंप्रेशन आपको मिला, आपका CTR क्लिक्स कितना मिला, व्हाट इज योर CTR एंड कॉस्ट पर लीड आपका कितना पड़ रहा है। सो गाइज ऐसे 4-5 हॉट केक इंडस्ट्रीज के सैंपल या तो इमेजिनरी कंपनीज के एड्स चलाओ, डेटा बनाओ एंड स्टार्ट शोकेसिंग टू द रियल क्लाइंट्स। गाइज ट्रस्ट मी गाइज इट वर्क्स। ट्राई कीजिए दोस्त, इफ इट डजेंट वर्क देन प्लीज कम बैक एंड कमेंट बिलो, आई विल अगेन फर्दर हेल्प यू आउट। अगर आप चाहते हो कि गाइज आप किस तरह से रीच आउट करोगे ऐसे लोगों को, कैसे मैसेजेस करोगे, तो आई बटन पे वो वीडियो देख लेना। उस वीडियो के एंड पे मैंने स्क्रिप्ट भी दिया है कि कैसे आप रियल क्लाइंट को पिच कर सकते हो विथ अ मैसेज और विथ एन ईमेल ऑल्सो। तो गाइज क्लियर है गाइज? सो गाइज आई होप कि ये वेरी क्विक वीडियो था, आपको कुछ हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और एक क्विक अनाउंसमेंट गाइज, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजीज है गाइज, एंड जस्ट फॉर एन अनाउंसमेंट गाइज, ये सारी चीजें मैं पर्सनली थ्रू ए लाइव ट्रेनिंग, लाइव कोचिंग आई टीच ओनली टू सीरियस स्टूडेंट्स वाया माई लाइफ टाइम डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। गाइज यू नो इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि कंप्लीटली मैं स्क्रैच से सिखाता हूँ टू ऑल द स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स, बिजनेस ओनर्स, ताकि वो ग्रूम हो सके प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग प्लस इंटर्नशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ, वो ग्रो कर सके टू ए पॉइंट जहां पे वो रियल टाइम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सके एज ए सेल्फ सस्टेन्ड डिजिटल मार्केटर। सो गाइज इफ यू आर सीरियस इनफ टू बिल्ड ए अनशेकेबल अनब्रेकेबल डिजिटल मार्केटिंग करियर एंड वॉन्ट टू क्रैक, और क्रैक करना चाहते हो एक प्रॉफिटेबल कंपनी में जॉब प्लस एक स्ट्रांग फ्रीलांसर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो और अपने फ्रीलांस बिजनेस को स्केल करके एजेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू एक्सप्लोर द सिलेबस एंड फिक्स ए फेस टू फेस काउंसलिंग डायरेक्टली विथ मी गाइज। सो दिस इज आलोक भारतीय साइनिंग आउट फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।